हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस के एग्जाम स्टडी। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पर आप क्या है सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, वो क्या है टोक्यो पैरा ओलंपिक। टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर क्या है हमारे देश के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी गए थे और आज तक का क्या है सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ठीक है दोस्तों, तो देखो जो ओलंपिक हुए थे उसमें भी क्या है भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम है उन्होंने तो क्या है इतिहास रच दिया, बहुत सारे पदक क्या है जीते हैं। तो आज हम उन सभी की डिटेल जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो दोस्तों, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स है वो क्या है अब तक के सबसे सफल गेम है, क्योंकि भारत का इसमें क्या है प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। भारत ने क्या है कई गोल्ड मेडल जीते हैं और इनके बारे में आने वाले जो वीडियो का पार्ट है इसके अंदर हम जानेंगे। तो दोस्तों, भारत ने क्या है कुल मिलाकर 19 मेडल जीते हैं। देखो दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक क्या है, मैं तो इस ओलंपिक को क्या है जो हमारा जो दूसरा ओलंपिक है ना उससे भी ज्यादा महत्व देता हूं, क्योंकि इस ओलंपिक के अंदर ऐसे खिलाड़ी गए हैं जो क्या है शारीरिक रूप से असक्षम है। असक्षम शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मैं उनकी योग्यता पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक बस आइडिया सा दे रहा हूं कि ऐसे खिलाड़ी गए थे कि जो नॉर्मल खिलाड़ी हैं उनसे भी ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी गए थे। ठीक है, और उन्होंने वहां पर क्या है जाकर भारत का नाम रोशन किया है, भारत का जो झंडा है उसको क्या है परचम किया है, फैलाया है। ठीक है दोस्तों, तो भारत, देखो दोस्तों, भारत ने क्या है टोटल 19 मेडल जीते हैं, जिसमें क्या है भारत का ये अब तक क्या क्या है सफल सीजन रहा है। और भारत क्या है, देखो दोस्तों, बहुत सारे देशों ने भाग लिया था इसके अंदर, और भारत क्या है मेडल तालिका में, यानी कि जितने भी देशों की मेडल तालिका बनी है उसमें भारत का क्या है 24वां नंबर है। तो दोस्तों, जो समापन समारोह हुआ, देखो दोस्तों, जिस प्रकार आप सभी को पता है कि जो ओलंपिक गेम है, जो टोक्यो ओलंपिक गेम है, उसमें क्या है ओपनिंग सेरेमनी भी धूमधाम से होती है और जो समापन समारोह होता है वो भी क्या है बड़े धूमधाम से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है जो समापन समारोह था उसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स है उसके समापन समारोह में जो भारत का झंडा है उसके किसने थामा हुआ था। ठीक है, तो शूटर अवनी लेखरा जी ने क्या है समापन समारोह में, टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो समापन समारोह था उसके अंदर क्या है अवनी लेखरा जी ने, जो कि क्या है शूटर हैं, उन्होंने क्या है एक गोल्ड मेडल और कुल मिलाकर, देखो दोस्तों, अवनी लेखरा क्या है शूटर हैं और उन्होंने क्या है एक गोल्ड मेडल और कुल मिलाकर क्या है दो पदक अपने नाम किए हैं। समापन समारोह में क्या है उन्होंने भारत का ध्वज मतलब अपने हाथों में थामा हुआ था। अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, मैं कई बार बता चुका हूं दोस्तों, अभी इतिहास ये अपने आप में एक इतिहास हो गया है कि जो टोक्यो पैरालंपिक गेम है उसके अंदर क्या है भारत ने 19 क्या है मेडल जीते हैं, जिनमें से क्या है बहुत सारे गोल्ड मेडल हैं और भारत का क्या है पदक तालिका में 24वां स्थान है। और जो समापन समारोह में क्या है अवनी लेखरा जो क्या है शूटर है उन्होंने क्या है भारत का ध्वज उठाया हुआ था। देखो दोस्तों, यहां पर मैंने एक तालिका बनाई हुई है स्पेशल आपके लिए, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम में, देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर क्या है मैंने एक ये थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास किया है कि आने वाले एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो पहले नंबर पर रहा है, दूसरे नंबर पर रहा है और तीसरे नंबर पर, देखो दोस्तों, भारत का तो क्या है 24वां स्थान है, ठीक है, लेकिन जो पहले और दूसरे तीसरे नंबर पर जो देश हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो टोक्यो पैरालंपिक था उसमें क्या है पहले नंबर पर गोल्ड मेडल जीतकर, यानी कि पहले नंबर पर सबसे ज्यादा मेडल जीतकर क्या है चीन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कौन सा देश है ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, और जो तीसरा देश है वो क्या है अमेरिका है। भारत क्या है पदक तालिका में 24वें नंबर पर है, लेकिन दोस्तों 24वें नंबर को मत देखो आप, अब की बार क्या है जो भारत के खिलाड़ी गए हुए थे वो क्या है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा उनका, और जो पिछले जो सालों से जो कमी खिल रही थी अब की बार क्या है 19 मेडल आए हैं, जो कि अपने आप में क्या है एक रिकॉर्ड है। अभी देखो दोस्तों, यहां पर क्या है थोड़ी सी और जानकारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि ये करंट अफेयर का टॉपिक है। अभी यहां पर क्या है समापन समारोह में क्या है भारत के 11 खिलाड़ी थे, लेकिन जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें क्या है भारत के केवल 5 खिलाड़ी थे। ठीक है, तो समापन समारोह में क्या है जब अवनी लेखरा जी ध्वज लेकर चल रही थी तो उनके साथ क्या है 11 खिलाड़ी
इस प्रतिस्पर्धा में क्या है दोस्तों, कई बार पूछ भी लिया जाता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम में कितने देशों ने भाग लिया था, तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं कि 163 देशों ने भाग लिया था और 4500 खिलाड़ी थे। ठीक है, देखो खिलाड़ियों के बारे में ना भी पूछे, लेकिन कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर क्या है, कितने देशों ने भाग लिया था। 163 देशों ने भाग लिया था। अभी एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर भारत ने पदक जीते 19। ठीक है, 19 पदक जीते, 24वां स्थान था, पहले नंबर पर चीन था, ठीक है, पदक तालिका में, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन, तीसरे नंबर पर अमेरिका, और कुल देशों ने क्या है, 163 देशों ने क्या है भाग लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि दोस्तों ये करंट अफेयर का टॉपिक है, और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हैं, तो उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ऐसी ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं, करंट अफेयर की, जीके की, हिस्ट्री की, सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। एक बार चैनल के अंदर जरूर विजिट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।